हाई स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप रेसिस्टेंस सीरीज और पैरेलल के बारे में जानेंगे रसिस्टेंट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशनस के लिए इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से वोल्टेज डिवाइड हो रहा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूलाज क्या होंगे अगर से थ्री रजिस्टर्स रहेंगे सीरीज में तब तीनों ऐड हो जाएंगे जैसे कि आर वन आर टू आर थ्री 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 है तीनों ऐड हो जाएंगे आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अगर से दो रहेंगे तो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू अगर से पैरल कॉम्बिनेशन होगा तब उसका फॉर्मूला आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू रहेगा अगर से दो रेजिस्टेंस रहेंगे अगर से थ्री रेसिस्टेंस रहेंगे तब उसका फॉर्मूला आर पी इज इक्वल टू आर वन आर टू आर थ्री बाई आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन होगा न्यूमेरिकल वैल्यूज देंगे एग्जाम में उस हिसाब से आप आप सपेट करके सॉल्व कर सकते हैं अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से वोल्टेज सीरीज में और पैरल में डिवाइड होगा यहाँ पर वोल्टेज जितना भी है V, ये वोल्टेज ये थ्री रजिस्टर्स के पास डिवाइड होगा V यहाँ पर होगा V1, वन यहाँ पर V2, टू यहाँ पर V3। मतलब रेजिस्टर्स इन सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होगा तो टोटल तो वोल्टेज क्या होगा V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री होगा लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर जो भी वोल्टेज रहेगा वही वोल्टेज पूरे रेसिस्टेंस के पास रहेगा यहाँ पर V है तो यहाँ पर भी V रहेगा यहाँ पर भी V रहेगा यहाँ पर भी V रहेगा, रहेगा अब हम इसे इस एग्ज़ैम्पल से स्टडी करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैटरी है नाइन वोल्ट की अगर से ये तीनों रसिस्टेंस सेम है तब यहाँ पर रेसिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगा ये थ्री वोल्ट रहेगा ये थ्री वोल्ट रहेगा ये थ्री वोल्ट रहेगा अगर से यहाँ पे दो रेजिस्टर होंगे तब ये 4.5 पॉइंट वोल्ट ये 4.5 पॉइंट वोल्ट हो जाएगा उसी तरीके से अब हम पैरल कॉम्बिनेशन में देखते हैं अगर ये 9 वोल्ट बैटरी है जब पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को कनेक्टेड है तब फर्स्ट रेजिस्टर के पास भी 9 वोल्ट रहेगा सेकेंड के पास भी नाइन वोल्ट रहेगा थर्ड के पास भी नाइन वोल्ट रहेगा तो कंक्लूजन ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी बैटरी का पोटेंशियल है वोल्टेज है वो रेसिस्टर्स के पास डिवाइड होगा और पैरल कॉम्बिनेशन में जो भी वोल्टेज बैटरी का है वही वोल्टेज एक्रॉस डिफरेंट रेसिस्टर्स रहेगा यहाँ पर वोल्टेज चेंज नहीं होगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आप आसानी से कर सकते हैं सी वन एग्जांपल। यहाँ पर थ्री रजिस्टर्स है आर वन आर टू आर थ्री ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और सिक्स वोल्ट बैटरी को कनेक्टेड है क्वेश्चन क्या है व्हाट इज़ वोल्टेज एट आर टू अगर आप और से देखेंगे क्योंकि ये तीनों रेसिस्टर सेम है तो जो भी यहाँ पर वोल्टेज रहेगा वो इक्वली डिवाइड होगा मतलब यहाँ पर टू वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर टू वोल्ट और यहाँ पर भी टू वोल्ट तो आर टू के पास जो वोल्टेज है वो हो गया टू वोल्ट अब ये पैरल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन में यहाँ पे दो रेजिस्टर्स है आर वन आर टू दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ है सिक्स ओम्स और फोर एम्स क्वेश्चन है व्हाट इज द वोल्टेज एट आर वन एंड आर टू क्योंकि ये पैरल कॉम्बिनेशन में है तो जो भी यहाँ पर वोल्टेज रहेगा वही वोल्टेज एक आर वन भी रहेगा और एक्रॉस आर टू भी रहेगा और एक्रॉस आर वन भी रहेगा, रहेगा सेम वोल्टेज रहेगा तो इसका आंसर हो गया आर वन इज इक्वल टू सिक्स वोल्ट आर टू इज आल्सो इज इक्वल टू सिक्स वोल्ट अस है वन एग्जांपल। इस क्वेश्चन में थ्री रेसिस्टर्स, टू ओम थ्री ओम फोर ओम सीरीज में कनेक्टेड है नाइन वोल्ट बैटरी ये पूरे कॉम्बिनेशन को कनेक्टेड है क्वेश्चन फाइन करंट इन द सर्किट फॉर्मूला ऑफ करंट आई इज इक्वल टू वी बाई आर वी क्वेश्चन में नाइन वोल्ट है नाइन लिखेंगे आर क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों को एड करेंगे टू प्लस थ्री प्लस फोर टू प्लस थ्री फाइव फाइव प्लस फोर नाइन सो नाइन वन जो, नाइन वन जो, वन सो करंट इज वन एम्पियर अभी दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे यहाँ पर टू रेसिस्टेंट थ्री ओम थ्री ओम पैरल कॉम्बिनेशन में है साथ में एक थ्री वोल्ट बैटरी है क्वेश्चन फाइंड करंट इन द सर्किट फार्मूला आई इज इक्वल टू वी बाई आर वी यहाँ पर थ्री वोल्ट है थ्री लिखेंगे आर मालूम करेंगे क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आर पी इज इक्वल टू आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू तो आर वन है थ्री आर टू भी है थ्री सो थ्री प्लस थ्री 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 सा नाइन बाई सिक्स थ्री टू सा थ्री थ्री सा थ्री बाई टू थ्री बाई टू इज नथिंग बट वन पॉइंट फाइव सो यहाँ पर हो गया वन पॉइंट फाइव आर की वैल्यू और वन पॉइंट फाइव वन जा वन पॉइंट फाइव टू ज़ा सो आई इक्वल टू टू एम्पियस लेटस्ट सॉल्व फ्यू मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रजिस्टर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तीनों रेजिस्टेंस है टू फोर सिक्स सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों को ऐड करेंगे टू प्लस फोर सिक्स सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्फ इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस हो जाएगा ट्वेल्व और यहाँ पर फोर और एट ये दोनों भी सीरीज में है तो ये कंबाइन हो जाएगा ट अब ये ट्वेल्व और ये ट्वेल्व दोनों पैरेलल में हैं यहाँ पे एक शॉर्टकट याद रखना है आपको अगर से रेसिस्टर्स पैरेलल में हो और सेम हो तब वैल्यू ऑफ रेसिस्टर बाय नंबर ऑफ़ रेसिस्टर। वैल्यू ऑफ रेसिस्टर ट्वेल्व है नंबर ऑफ रेसिस्टर वन और वन टू बाय टू सो टू वन जो टू सिक्स तो सिक्स तो ये टोटल कॉम्बिनेशन का रजिस्टेंस हो गया सिक्स ओम्स। अभी ये प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पर सिक्स ओम्स है यहाँ पर सिक्स ओम्स है दोनों पैरल कॉम्बिनेशन में है पैरल कॉम्बिनेशन में दोनों के वैल्यू सेम है दोनों के वैल्यू सेम रहेंगे तब वैल्यूस लिखेंगे बाय नंबर ऑफ रेसिस्टर्स एक और एक यानी दो सो टू वन सा टू थ्री सा तो टोटल थ्री ओम इस कॉम्बिनेशन का हो गया थ्री ओम थ्री ओम और इसके साथ में टू ओम इन सीरीज में 3 थ्री प्लस टू फाइव ओम सो फाइव ओम इस द फाइनल आंसर फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स. लेट अस सी दिस पार्ट यहाँ पर देखिए टू टू ये दोनों सीरीज में है तो ये हो जाएगा कंबाइंड फोर ओम्स ये दोनों सीरीज में ये दोनों हो गए फोर ओम्स अब ये दोनों पैरल में हो गए पैरल में अगेन से देखिए आप फोर फोर वैल्यू ऑफ रजिस्टर और नंबर ऑफ रजिस्टर टू तो ये हो गया टू ओम्स अब ये कंप्लीट पार्ट हो गया टू ओम्स जिसके साथ में ये टू सीरीज में, में है टू प्लस टू फोर ओम्स कंप्लीट आंसर फोर ओम्स लास्ट पार्ट ये तीनों पैरेलल में हैं जिसके साथ में ये और ये सीरीज में है तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं ये थ्री रजिस्टर्स है पैरेलल में हैं सेम वैल्यू है तो वैल्यू लिखेंगे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स वन टू थ्री सो थ्री वन सा थ्री थ्री सा तो ये हो गया थ्री ओम रेसिस्टेंस इसका पार्ट थ्री ओम अब ये सीरीज में हो गया इसके और इसके साथ मतलब अब तीनों को ऐड करेंगे थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री नाइन ओम इज द फाइनल आंसर फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो